हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना लेक्चर टू देख रहे हैं फार्माकोलॉजी का। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा मेन टॉपिक है आज का, हिस्टोरिकल लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अपना पढ़ा था कि मतलब फार्माकोलॉजी क्या होता है, उसके जनरल इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था उसके बारे में, फिर कोडायनेमिक कोकाइनेटिक्स इनके बारे में जाना था, क्या चीज़ें होती हैं इन सबको हमने देखा था। तो आप चाहें तो वो लेक्चर वन जाके पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके एंड स्क्रीन पर आपको ये मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारे जो सिलेबस था उसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस भी थी जो मैं आपको यहाँ पे अभी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हमारा होगा हिस्टोरिकल लैंडमार्क होगा और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। साथ में मैं इसकी कुछ बातें भी बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है आपकी फार्माकोलॉजी के लिए, आपके फोर्थ सेम के लिए। तो वीडियो को आप जो अच्छे से देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हमारी कुछ डेफिनेशंस है यहाँ पे। तो डेफिनेशन जैसे फार्माकोलॉजी है क्लिनिक, तो इसके बारे में हम जान ही चुके थे। क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल यूज के लिए होते हैं ड्रग्स हमारे, कोई भी ऐसा सबस्टांस होता है जो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है ह्यूमन बॉडी पे, वो हमारे ड्रग्स होते हैं। कोकाइनेटिक्स हमने देख ही लिए थे कि मतलब ड्रग्स जो हमने खाया है बॉडी में हमने लिया है उस पर मतलब ड्रग्स बॉडी अपना क्या इफेक्ट दे रही है उस ड्रग के ऊपर, ये हमारा था फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर हमारा फार्माकोडायनेमिक है, यहाँ पे ये है कि मतलब व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा। फिर हमारा यहाँ पे आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब यहाँ आप वर्ड से समझ रहे होंगे, टॉक्सिक का मतलब होता है थोड़ा खतरनाक जहरीला टाइप। तो यहाँ पे जो हम ऐसे टॉक्सिक सबस्टांस के बारे में स्टडी करेंगे जो थोड़ा सा मतलब वैसा हो, हार्मफुल हो अपनी बॉडी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, फिर उसके थोड़े बहुत इफेक्ट डाउन करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए, उसके एंटीडोट के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। कीमोथेरेपी, यहाँ थेरेपी वर्ड का मतलब आप जानते हैं इलाज करना एक तरह से, और कीमो मतलब यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड है, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं ऐसे केमिकल और ड्रग जिनकी मदद से हम अपनी डिसीज को ठीक करेंगे, वो उसके बारे में हम सारा कुछ स्टडी करेंगे वो हम कीमोथेरेपी में स्टडी करेंगे। फिर एडवर्स रिएक्शन, अब ये एडवर्स रिएक्शन मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसके कभी कभी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दो तरह के इफेक्ट होते हैं। तो अगर अनडिजायरेबल इफेक्ट मिल जाते हैं जिसमें हमारे साइड इफेक्ट आते हैं कुछ, मतलब कहते हैं ना कोई दवाई रिएक्शन कर गई, कोई दवाई का मतलब साइड इफेक्ट हो गया, जैसे आप एग्जांपल समझिए, हम इसको आगे भी स्टडी करेंगे कि जो हमारा फार्माकोडायनेमिक होता है इसके अंदर हमारे दो आते हैं, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डिजायरेबल जो हम चाहते हैं और अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि आपके सिर में दर्द हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने कोई टैबलेट ली उसको खाने के लिए, अब वो दर्द अगर ठीक हो गया तब तो आपका वो डिजायरेबल है कि भाई आपने इसीलिए खाया था कि वो दर्द ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुआ और आपका और ज्यादा होने लग गया, या वो तो ठीक हो गया लेकिन आपके कहीं खुजली होने लग गई या कहीं जलन होने लग गई, गर्मी होने लगी पूरी बॉडी में, तो ये तरह के जो इफेक्ट होते हैं अनवांटेड इफेक्ट होते हैं जो हमको नहीं चाहिए होते हैं वो हमारे होते हैं एडवर्स इफेक्ट या अनडिजायरेबल इफेक्ट बोलते हैं ये, तो इसको एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं यहां पे। फिर हमारा बायो एबिलिटी आती है, तो ये सिंपल इस चीज पे है कि जो हमने ड्रग्स लिया है अपना वो हमारी बॉडी के अंदर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना यूज हो रहा है उसका, कितना वो इफेक्ट दे रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम बायो एबिलिटी में पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये लग रही होगी कि जो भी हम देख रहे हैं सारा कुछ मोस्टली सेम है, एक ही जैसा है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा फार्माकोलॉजी है ये टोटल हमारा जो है ड्रग्स के ऊपर है, कि ड्रग्स के बारे में ही सारा कुछ जानना है, कौन सा ड्रग है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, और जितनी ये इसकी डेफिनेशंस थी ये सब इसी के अंदर के पार्ट हैं। इस वजह से हो सकता है आपको सारा सेम लगे, और बाकी हम इसको आगे जो है डिटेल्स में एक एक चीज हमारे आने वाली है, तो बाकी सारा कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाएगा। फार्माकोलॉजी आप ही लोगों को पता ही है, वही होता है हमारा जो हम अब तक पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हमने सारा कुछ इसको डिटेल्स में स्टडी किया था सिंपली टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स और ड्रग्स की मैकेनिज्म क्या है, एक्शन क्या है इनके बारे में। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन कुछ। अब हम समझते हैं अपना दूसरा टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट, वो हमारा है हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी। अब इसकी चार बातें ये हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, एक तो कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब हम फिक्स नहीं कर सकते कुछ भी, तो हमने यहाँ कुछ लिमिटेड लिया है। बाकी एक बात मैं और बता दूँ, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं कि सर फोर्थ सेम आप जल्दी करिए ये करिए, हम टोटली आप पे डिपेंड है। तो मैं फ्रेंड्स पहली बात ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू, लेकिन फिर भी किसी पर भी टोटली डिपेंड नहीं रहा जाता है। चलिए थर्ड सेमेस्टर की बात ठीक थी, लेकिन ये फोर्थ सेमेस्टर है और मैं कहूँगा कि नोट्स मेरे ठीक हैं, सूटेबल हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार जो है बुक को जरूर देखिएगा, अपने कॉलेज के टीचरों को भी सुनिएगा। यूट्यूब चैनल सिर्फ हेल्प के लिए होते हैं और अच्छे कंटेंट भी होते हैं लेकिन हेल्प के लिए होते हैं, सिर्फ आप इतना समझिए, बुक्स को आप एक बार जरूर प्रेफरेंस दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ सेम में, क्योंकि ये सेम ही होता है जो हमारी जीपैट प्रिपरेशन के मतलब बेस होता है, स्टार्ट होता है। इसलिए मैं कहूँगा
कि आप फोर्थ सेम में जब भी स्टार्ट करें तो आप अपनी बुक्स को भी प्रेफरेंस जरूर दीजिए। बाकी मैं बुक्स को आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारी फोर्थ सेम के लिए अच्छी रहेंगी। बाकी आप बिल्कुल ये मत समझिए कि कंटेंट हमारा ठीक नहीं है या कुछ गड़बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिपेंड पूरे किसी पे नहीं रहा जाता। बाकी अपनी बुक्स को भी एक बार आप जरूर देखिए, बहुत जरूरी है फोर्थ सेम में। इसके बाद चलिए हिस्टोरिकल लैंडमार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे प्राचीन काल में चलते हैं कि उस टाइम पे मतलब किस तरह से इलाज किए जाते थे, दवाइयाँ किस तरह बनती थी, क्योंकि तब हमारे ना कोई लैब थी ना कोई रिसर्च, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पे सिंपल ये था कि जो हमारे जानवर थे, पेड़ पौधे थे, इन सब चीज़ों को नोटिस करके ही हमारी जो दवाइयाँ थी वो बनाई जाती थी। सिंपल इतनी सी बात है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे जो लोग थे, जैसे वैद्य महाराज होते, इन लोग थे, इन्होंने पाया कि मतलब जो हमारे प्लांट के, एनिमल के कुछ मिनरल्स होते हैं, इन सब के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब निचोड़ एक तरह से बोल सकते हैं, उससे हमारे मेडिसिनल इफेक्ट देखने को मिला हमारी बॉडी पे। जैसे मैं एक जनरल आपको एग्जांपल बताता हूँ, तुलसी आपने सुने होंगे, तुलसी के पौधे होते हैं, पेड़ छोटे छोटे, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अश्वगंधा हो गई, तुलसी हो गई, और गिलोय अभी बहुत काम आया था जब हमारा कोरोना चला था। तो आप समझ सकते हैं ना, ये चीज़ें हमारी एक तरह से जड़ी बूटी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। तो ये सब बहुत अच्छे इफेक्ट है। तो इन्हीं सबसे हमारी शुरुआत हुई थी फार्माकोलॉजी की स्टार्टिंग। और आज का जमाना हमारा चल रहा है मॉडर्न फार्माकोलॉजी। आज तो आप देख रहे होंगे लैब्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स सारा कुछ है, तो उन्हीं को मिला मिला के हमारी दवाइयाँ जनरेट की जाती हैं। अब कुछ लैंडमार्क हम जान लेते हैं, मतलब कहाँ पे क्या था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ थे हिप्पोक्रेट्स। आप समझ रहे होंगे 460 शताब्दी के करीब ये ग्रीक फिजिशियन थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिसीज एज अबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। और इन्होंने मतलब ये चीज जानी थी कि जो हमारी डिसीज बीमारी होती है उनका हमारी बॉडी पे जो है अबनॉर्मल इफेक्ट होता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा हटके होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आपको थोड़ी सी मतलब बेचैनी हो, घबराहट सी हो, तो आपको लगेगा कि अभी आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब अजीब है, कोई बीमारी होगी, जैसे सर में दर्द हो रहा है, तो आपको अभी पता है कि ये सर में दर्द होना एक डिजीज है। लेकिन उस टाइम पे जो था स्टार्टिंग में, आप समझिए तब कुछ नहीं पता था। अगर तब सर में दर्द भी होता होगा तो लोग समझते होंगे क्या पता ये नेचुरल हो, क्या पता ऐसा ही होता हो। लेकिन फिर इन्होंने ये मतलब इसको बताया कि ये अबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जो डिजीज के कारण होती है, कोई बीमारी लग जाती है, कोई माइक्रोब किसी के द्वारा मतलब ये बीमारी होती है, अबनॉर्मल कंडीशन होती है। फिर यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला ट्रीटमेंट किया था एक मेटेलिक साल्ट के साथ, इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया था मेटेलिक साल्ट को एज अ ट्रीटमेंट। सिंपल है फ्रेंड, बाकी हमको ज़्यादा कुछ नहीं जानना, देखा जाए तो हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ हो जाएगा, तो सिंपल आप कुछ देख लीजिए, सिंपल है। फिर हमारे ये थे पैरासेल्सस, ये थे हमारे ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहलाते हैं, और इन्होंने केमिकल्स को मतलब इंट्रोड्यूस किया था डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मतलब दवाइयाँ निकाली जा रही हैं तरह तरह की, जो क्या कर रही है बीमारियों को ठीक कर रही हैं 1493 से 1541 के बीच। अब बात आती है हमारी मॉडर्न फार्माकोलॉजी की। तो यहाँ पे हमारे हैं ये ओसवाल्ड जी, तो इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। यहाँ पे मॉडर्न मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को, तो फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी हैं। अब इन्होंने किया क्या था कि ही स्टेबलाइज्ड फार्माकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। मतलब हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इन्होंने फार्माकोलॉजी को एक अलग पहचान दी थी, एक अलग लेवल की, कि फार्माकोलॉजी को इन्होंने सेपरेट किया कि ये एक अलग तरह का विषय होना चाहिए, अलग इस पर स्टडी होनी चाहिए। तो आप यहाँ बोल सकते हैं बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने एक खोज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इन्होंने एस्टिमेट किया था क्लोरोफॉर्म को ब्लड के अंदर। सिंपल है, वैसे तो बहुत सारे काम किए थे, यहाँ हम एक एक दो दो देख लेते हैं। फिर हमारे आते हैं जॉन जैकब एवल, तो इन्होंने आइसोलेट किया था हिस्टामिन को अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब हिस्टामिन क्या होता है, जो मतलब एलर्जिक रिस्पांस के लिए होता है, वेजोडायलेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इन्होंने यहाँ आइसोलेट किया था कि ये हमारा हिस्टामिन है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। इसके बाद इनका एक और काम था कि इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन को प्रिपेयर किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इंसुलिन प्रिपेयर की जो हमारी क्या कर सकती है, हमारे ग्लूकोज में, डायबिटीज में हेल्प कर सकती है बढ़ाने का, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं एक है पॉल इनरिच, तो ये हमारे नोबेल प्राइज विनर थे, और इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब कीमोथेरेपी आपको मैंने पहले ही बता दिया, मतलब केमिकल्स के यूज के द्वारा जो हमारी दवाइयां प्रिपेयर की जाती हैं, इनसे इलाज किया जाता है, वो हमारे यहाँ पे कीमोथेरेपी कहलाता है। और इन्होंने एक मतलब अपना छोटा सा योगदान ये था, इनका बहुत बड़ा योगदान सॉरी, कि फाइंड अ क्योर फॉर साइफिल, तो यहाँ ई है, तो इन्होंने साइफिल की बीमारी को यहाँ पे उसका इलाज किया था, इन्होंने क्योर किया था, और इसको यूज के लिए इन्होंने यूज किया था
था आर्सेनिकल, जो इनकी बहुत बड़ी खोज थी और इसी के लिए इनको जाना जाता है, इसी के लिए इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। अब अगर कहीं दवाइयों की बात हो और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये हमारे स्कॉटिक फिजिशियन थे और इन्होंने पहली एंटीबायोटिक खोजी थी हमारी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। और ये समझिए ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से क्रांति सी आ गई थी उस टाइम इसकी वजह से, क्योंकि तब जो है विश्व युद्ध वगैरह चल रहे थे, तो इसका यूज करके बहुत लोगों को ठीक किया गया था। तो इसीलिए ये मतलब बहुत बड़ा योगदान माना जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। फिर हमारे एक इंडिया के हैं रामनाथ चोपड़ा जी, तो ये हमारे इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर थे यानी कि IMS, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। तो इनका भी बहुत ज़्यादा जो योगदान रहा है हमारी जो हमारी फार्माकोलॉजी है, और इन्होंने हमारी इंडियन मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्टडी की थी, मतलब जितने भी प्लांट हैं इंडिया के अंदर जिनसे दवाइयाँ बन सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और इनकी बुक्स भी बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं, आप चाहें तो खोज कर सकते हैं, इनकी बुक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये था हमारे जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, बाकी और भी बहुत ज़्यादा है, हमने कुछ इंक्लूड किए हैं। बाकी एग्जाम में अगर आता है तो इतना सूटेबल है, क्योंकि अगर आएगा तो अकेले के हिसाब से भी ठीक है, और दोनों साथ में आते हैं तब तो बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी सूटेबल है। अब हम अपना आज का दूसरा टॉपिक समझते हैं, हमारा है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब इस चीज में ना कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी मतलब स्कोप में आकर लिखना क्या है। तो स्कोप का सिंपल मतलब ये होता है कि मतलब आगे फ्यूचर में इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर हम अगर फार्माकोलॉजी पढ़ लें, फार्माकोलॉजी समझ लें, तो हम फार्माकोलॉजी की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने के लायक हो जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, उन्हीं को मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका स्कोप ये है कि हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे, और ड्रग्स के बारे में स्टडी करके हम फिर ड्रग्स को मतलब समझ सकते हैं, ड्रग्स को बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला है कि स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड देयर एक्शन, यानी कि हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके एक्शन के बारे में। फिर हमारा दूसरा है स्टडी अबाउट डिजीज और डिसऑर्डर विच इज कम्स अंडर पैथोफिजियोलॉजी, मतलब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारी आती है ना कि डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम अच्छे से जान जाएंगे। क्योंकि अगर हम ड्रग्स के बारे में जानते हैं कि ये ड्रग हमारे इस बीमारी पे काम करेगा और ऐसे ऐसे काम करेगा, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म और सारा कुछ जान जाएंगे, तो पैथोफिजियोलॉजी तो हम ऑटोमेटिक ही जान जाएंगे उस चीज की। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्टडी अबाउट डिजीज या फिर डिसऑर्डर, सिंपल है। अब आपको अगर कंफ्यूज होता है डिजीज और डिसऑर्डर क्या होता है एक तरह से, तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। वैसे ये ज़्यादा मतलब फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी डिजीज मतलब कोई बीमारी एक तरह से, जैसे अगर फीवर आ रहा है ये भी एक तरह से डिजीज है वो चीज़, और डिसऑर्डर होती है मतलब कोई कमी है, जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई मतलब पोलियो के साथ होता है, ये डिसऑर्डर हो जाते हैं, या कोई और भी वैसे डिसऑर्डर जो कमी, जैसे आर्थराइटिस हो गई, ये चीज़ें थोड़ी फिजिकली जो आ जाती हैं ये हमारी डिसऑर्डर के अंदर आती है। बाकी फिक्स नहीं है कि डिजीज और डिसऑर्डर क्या है, लगभग दोनों को एक ही चीज़ माना जाता है। फिर हमारे आता है स्टडी अबाउट फार्माकोडायनेमिक, तो ये हमारा फिर से आ गया कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी जानेंगे कि कोई ड्रग है वो हमारी बॉडी पे किस तरह इफेक्ट करेगा, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। फिर हमारा यहाँ पे है इफेक्ट क्या करेगा, फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट, इसको भी हम जानेंगे, कोई ड्रग अच्छे इफेक्ट क्या दे रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, एडवर्स रिएक्शन क्या होगी, इन सब चीजों के बारे में हम फार्माकोडायनेमिक में जानने वाले हैं। फिर हमारा फार्माकोकाइनेटिक आ गया, ये हमारा सिंपल है कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में ड्रग्स क्या करेगा, इसके बारे में जानेंगे। भाई हमारा ADME वाला एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन फ्रॉम बॉडी ऑफ ड्रग, तो यहां पे ये चीज के बारे में जानेंगे। फिर कुछ और चीजें हैं जिसका स्कोप है हमारी फार्माकोलॉजी में, जैसे हमारी रिसर्च इंडस्ट्रीज हो गई, फिर एकेडमिक्स हो गई, इस चीजों में हम कर सकते हैं। अब किस तरह कर सकते हैं, और एक हमारे किस तरह, जैसे रिसर्च है हमारी, तो रिसर्च में नई नई दवाइयों की खोज होती रहती है, तो अगर हम फार्माकोलॉजी सीख जाते हैं अच्छे से तो हम दवाइयों की खोज कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस चीज़ का। इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वालिटी डिपार्टमेंट जाते हैं, या नई नई इंडस्ट्री वगैरह में दवाइयाँ जो बनती हैं वहाँ पर आप किसी कंपनी में लग सकते हैं, यानी कि बहुत चीज़ है। और अकेडमिक्स तो आप लोगों को पता है कि आप भी सिखा सकते हैं फार्माकोलॉजी किसी और को, अगर आप फार्माकोलॉजी जानते हैं तो। देखा जाए तो स्कोप वाला जो हमारा टॉपिक होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ना कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत होती है, बस आप सिंपल खुद से इतना सवाल कीजिए या इतना समझ लीजिए कि आप फार्माकोलॉजी सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वही सिंपल हम कर सकते हैं जो फार्माकोलॉजी के अंदर हम सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है कि फार्माकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप इजीली तरीके से इसको स्कोप को बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है तो इसमें हम जानेंगे जैसे कोई कॉन्ट्राइंडिक्शन तो नहीं हो रही ड्रग की, यानी कि ड्रग्स का कोई साइड इफेक्ट, यानी कि
आपने एक चीज देखी होगी ना, कभी डॉक्टर कहते हैं कि इसको ठंडे पानी से नहीं लेना, गर्म से लेना, या इसको दूध के साथ नहीं लेना, इसको पानी के साथ लेना, या इसको सिर्फ दूध के साथ लेना। तो वो होती है हमारी कुछ दवाइयां होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। तो ये बताया जाता है कि ये दवाई इसके साथ नहीं लेनी, ये इसके 2 घंटे बाद लेनी, 3 घंटे बाद लेनी है। इन सब चीजों के बारे में हम जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, उसकी बायो एबिलिटी के बारे में। पोजोलॉजी, पोजोलॉजी सिंपल इतना होता है कि मतलब कितनी डोज देनी चाहिए। कहते हैं कि छोटे बच्चों को 200 mg, 100 mg, 250 mg दो, और बड़े को 500 mg, 550 mg, कहते हैं टेबलेट को आधा तोड़ के दो बच्चों को। इन सब चीजों के बारे में हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे। आपने सुना होगा डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं, तो जो वो दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में टोटल यहाँ स्टडी आती है। फिर हमारी स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, मतलब टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम जान जाएंगे यहाँ पे कि कोई पॉइजन क्या है, पॉइजन का एंटीट्यूड बनाना, ट्रीटमेंट करना, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर स्टडी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, कहीं पे कुछ अगर वारदात हो जाए, कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ पे फॉरेंसिक लैब वाले आते हैं ना, तो वो भी मतलब इन्हीं चीज़ों का पता लगाते हैं कि ये ड्रग कब लिया था इसने, ये पॉइजन कौन सा है, कब लिया, कितने टाइम पहले लिया, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम फॉरेंसिक साइंस में पढ़ते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन एक तरह से होती है वहाँ पे। फिर यहाँ का फार्माकोलॉजी का रिसर्च में भी बहुत अच्छा योगदान है, जैसे वही मैंने बता दिया, ड्रग डेवलपमेंट में, ड्रग डिस्कवरी में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, फिर ड्रग डेवलपमेंट, वही कोई नया ड्रग हम फॉर्म कर रहे हैं उस चीज में। क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमारे होते हैं कुछ, ये हमारी होती है कि जब दवाई कोई मतलब डेवलप कर ली गई है, अब उसको चेक कैसे करेंगे कि ये काम की है कि नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग फेज होते हैं, सबसे पहले वो मतलब हमारी जनरेट की जाती है अच्छे से, उसका चेकअप सब मतलब उसके जितने टेस्ट होते हैं वो कर लिए जाते हैं। फिर उसको जो है एनिमल्स को पहले दिया जाता है, प्लांट्स को दिया जाता है, उसके बाद उन पर उनके इफेक्ट देखे जाते हैं, उसके बाद उस ड्रग को जो है किसी ह्यूमन पर दिया जाएगा, हेल्दी ह्यूमन पर दिया जाएगा, कोई डिजीज वाले ह्यूमन पर दिया जाएगा। मतलब इस तरह से जो है कोई भी दवाई हमारी डेवलप होती है तो उसको इस तरह के सारे ट्रायल्स को पास करना होता है, तब वो दवाई जो है हमारे मार्केट में पहुंचती है। तो ये सारी चीजें भी हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हमारी एक यहां पे दी जाती है फार्माकोजोनोमिक्स, तो ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करती है कि कोई दवाई का क्या होने वाला है। और इसी तरह से हमारा ये है फार्माकोजेनेटिक, यहां पे भी हमें जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये ड्रग इस जेनेटिक, कहते हैं ना कभी कभी स्पेशल टाइप्स के होते हैं कुछ 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 पर्सनल डिसीज भी होती है, उस चीजों पर भी ये सब हमारी स्टडी काम आती है फार्माकोलॉजी। तो आई होप आप लोगों को जितना कुछ है ये सारा समझ आ गया होगा, और एक बात आप यहां समझ गए होंगे कि फार्माकोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मेडिसिन, यानी कि फार्माकोलॉजी है तब हमारी दवाइयां हैं, और फार्माकोलॉजी नहीं है तो हमारी दवाइयां नहीं है। इसी की मदद से हम जो है दवाइयां बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। बाकी ये हमारी हिस्ट्री थी, थोड़ी बोरिंग हो जाती है आई नो, इसके बाद जो हमारे मेन मेन टॉपिक सारे स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए, इस पर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारी वेबसाइट है www.carewellpharma.in, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इसके जो भी हमारे नोट्स होंगे अभी स्टार्टिंग है धीरे धीरे। बाकी हम PDF की जो भी लिंक होगी वो हम ट्राई करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करने की। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।